दोस्तों अभी शाम के 6 बजे है। शाम का नाश्ता बनाने का मेरा समय हो गया। 4-5 से लौटने वाले हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगी आप लोगों को एक शाम का छोटा मोटा नाश्ता, मुरमुरा फ्राई एंड मटर प्याज के साथ फ्राई। ये बहुत कम तेल में हो जाएगा, पेट भी भर जाएगा। तो पहले मैं दिखाऊंगी मुरमुरा फ्राई। मैंने कढ़ाई चढ़ाया, थोड़ी सी 1 टीस्पून मैंने तेल दिया, ठीक है, तेल दिया। आप ऐसा करो, इसमें मुरमुरा डाल दो, क्योंकि कभी कभार मुरमुरा ना थोड़ा नरम हो जाता है, ये करने से थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। 1 चम्मच तेल तो आप मुरमुरा के ऊपर ऐसे क्रिस्पी मुरमुरा होने से भी तेल दे के खाते हो, इसलिए तेल देने का कोई असुविधा नहीं है। तो ये उसके बाद आप थोड़ा नमक दे देना, मैं काला नमक दे रही हूँ, काला नमक दे देना और थोड़ा लाल लाल होने दीजिए। बहुत अच्छा लगता है ये। अगर बना के आप डब्बे में भर के रख दो, ऑफिस में ले जाओ, तो छोटा मोटा भूख में बहुत काम आता है। डब्बा में रखने से, एयरटाइट डब्बा में रखने से बहुत अच्छी तरह से रहता है, बहुत क्रिस्पी हो जाता है। खाली खाली भी आप चाय के साथ या छोटा मोटा भूख के समय आप खा सकते हो। देखिए लगातार हिलाते रहिएगा, क्योंकि कढ़ाई के नीचे ये काला काला हो जाएगा तो बेकार लगेगा। बीच में ना अब हो गया कि नहीं, हाथ के सहारे ऐसा एक मुड़ी लेके, मुरमुरा लेके देखिए, ऐसे चूड़ा हो जाएगा। जब आप सोचो ना कि हो गया, देखिए चूड़ा नहीं हो रहा है, मतलब ये बहुत नरम है। दुकान से लाए थे, नरम मुरमुरा है। हम लोग बहुत मुरमुरा खाते हैं सांस के समय। अभी विंटर का सीज़न है, मटर भी है, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, पेट बहुत भर जाता है। अब 7-7:30 बजे ये थोड़ा कटोरी लेके आप खाओगे, 1 कटोरी मुरमुरा और 1 कटोरी मटर प्याज फ्राई आप खाओगे, तो आप आराम से 10 बजे तक रह सकते हो। कोई आ जाए गेस्ट अचानक, उनको भी दे सकते हो। पीछे मैं देखती हुआ कि नहीं, देखिए आप होने वाला है। आप खरीदोगे ना तब भी आप ऐसे देख सकते हो पैकेट के बाहर से। ये अगर चूरा हो जाए ना, मतलब ये क्रिस्पी है, अगर चूरा नहीं होगा तो समझना ये नरम हो गया है। जब आप सोचोगे कि होने वाला है, नीचे से थोड़ा लाल लाल हो रहा है, गैस का आँच या इंडक्शन का आँच थोड़ा कम कर देना, ये होने वाला है। देखिए ये देखिए पूरा चूरा हो गया, मतलब मेरा मुरमुरा अभी तैयार है। ये मुरमुरा हो गया है। अब थोड़ा सा मसाला, मसाला मतलब जो घर में रहते हैं वो यही है, थोड़ा सा हल्दी दीजिए, कलर होगा, अच्छा लगेगा आपको देखना। और ये एंटीसेप्टिक भी है, अच्छा है। उसको बाद इसको हिला दीजिए, थोड़ा अच्छी तरह से मिलाइए आप ना दोस्तों। जब आप ये जो तेल देने के बाद भी थोड़ा सा हल्दी तेल में दे सकते हो, उससे भी चलेगा, लेकिन देखना जल ना जाए। इसे मैं बाद में देती हूँ, थोड़ा पीला कलर आ रहा है देखो। इसके बाद ना मैं थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च दे दूँगी, ये कश्मीरी रेड चिली है। हम लोग कश्मीरी रेड चिली खाते हैं ज़्यादातर, लाल मिर्च भी खाते हैं लेकिन बहुत कम। देखिए कितना कम है, तेज मिर्ची नहीं चाहिए, मिलाते रहिए फटाफट। नीचे से देखिएगा, एक भी नहीं जला, देखिए मेरा करते रहिए। उसके बाद आँच थोड़ा धीमा कर दीजिए। उसके बाद ना ये काली मिर्च ये आप ऊपर से डाल दो, वो बहुत बढ़िया लगता है, आपके टेस्ट के ऊपर से आप कितना खाओगे, ज़्यादा मिर्ची ना हो जाए। बस देखिए कितना सुंदर धीरे धीरे हो गया। ये खाली खाली भी आप खा सकते हो। मैं वीडियो कर रही हूँ, एक साथ ही आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कोई गेस्ट आ जाए, कोई आ जाए। बस मेरा ये बनके तैयार हो गया। मैंने फिर से कढ़ाई इंडक्शन में बिठाया और 2 टेबलस्पून तेल दिया, ठीक है, इतना चाहिए क्योंकि प्याज है, ज़्यादा नहीं। आप बाहर का फास्ट फूड खाओगे तो बहुत तेल खाओगे,
तो मैं अक्सर यही करती हूँ सर्दी के मौसम में। पहले ना अब ये प्याज दे दो, एक बड़ा सा प्याज मैंने दिया छोटा छोटा करके। काला नमक ही मैं दूंगी, थोड़ी सी दूंगी क्योंकि ना मैं चाट मसाला भी दूंगी ना, तो चाट मसाला में भी बहुत नमक होता है। सूप चाट जब बनाते हैं घर में तब चाट मसाला मैं देती हूँ। अच्छी तरह से प्याज को ना फ्राई करिए। देखिए मेरे पास 700 मटर का छिलका, मैंने छिलका उतर के मैंने 700 ग्राम मटर है, 1 किलो लिया था 200 कामों में लगा दिया, तो 700 ग्राम मेरे पास था। तो छीला इसका इतना और एक बड़ा सा प्याज, हरी मिर्ची 2 छोटा छोटा, ये देखिए पक रहा है। तो मेरा प्याज भून गया, अभी फटाफट ये हरी मिर्ची डाल दीजिए, इसको भी थोड़ा होना है। देखिए जिन लोगों का पसंद नहीं है वो लोग उठा के फेंक देंगे, नहीं खाइए, लेकिन इसका जो एक अरोमा है ये बहुत अच्छा लगता है। हरी मिर्ची का भी अरोमा है, एक खुशबू है। थोड़ा सा नमक दिया मैंने, ठीक है, मटर के ऊपर भी थोड़ी सी दूंगी। आप गैस धीमा कर दीजिए, आप ना इसमें थोड़ा सा कलर होगा, थोड़ा सा ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाँ, और हल्दी चाहिए, हल्दी, ठीक है। आप ये तेल के ऊपर ही मिला दो, हमेशा दोस्तों ख्याल रखना, तेल के ऊपर ही हल्दी और लाल मिर्च देना, फिर कलर आएगा। उसके बाद मटर छील के रखा था ये डाल दो आप। इसके साथ मिलाओ, थोड़ी सी नमक दे दो, थोड़ी सी, क्योंकि चाट मसाला मैं दूंगी, चाट मसाला में भी नमक दे, बस। अभी इसको 5 मिनट के लिए आप कवर करके रखो, ढक के रखो। उसके बाद बीच बीच में आप इसको चलाना, ये अभी मटर थोड़ा ना मोटा हो गया इसलिए समय लगेगा, शुरू का मटर होगा नरम होगा फटाफट बन जाएगा, ये ना थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन आप लोग ना पानी नहीं देना, बिल्कुल पानी नहीं देना, गैस धीमा कर देना, ये इंडक्शन धीमा कर देना, कवर कर देना इसको। दोस्तों देखिए बीच बीच में मैंने 2-3 बार इसको हिलाया, थोड़ा समय लगता है, आप बीच में 1-2 निकल के हाथ से देख लेना या खा के देख लेना नरम हुआ कि नहीं, क्योंकि कितना मिनट है मैं बोल नहीं पाऊँगी, मैं देख नहीं पाऊँगी, क्योंकि आपका मटर का क्वालिटी कैसा है, ठीक है। मेरा जो मटर का क्वालिटी था 5-7 मिनट में ये हो गया, अब ये हो गया पक के तैयार हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसके ऊपर पहले नहीं देना आमचूर दे देना, ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा आमचूर देने से। 1 चम्मच आमचूर दे के थोड़ा हिला देना, थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आएगा, मटर मीठा है ये खट्टा है, और थोड़ा दे दो। फिर अभी ये है चाट मसाला, ये चाट मसाला आप ऐसे हाथ से दे पूरा ही दे दीजिएगा, 1 चम्मच मीठा, बहुत अच्छा लगता है। मतलब 1 किलो मटर छीलोगे तो मतलब जो खाता है मेरे हाथ का खत्म हो जाता है, मुझे ही नहीं मिलता। थोड़ा ज़्यादा करके बनाइए, फ्रिज में रख दीजिए, अब सर्दी का मौसम है, शाम के वक्त आप बनाओगे तो अगले दिन फ्रिज में रखने का भी ज़रूरत नहीं, रोटी के साथ दीजिए, चावल के साथ मत खाइए बिल्कुल, मैं बोल ही देती हूँ, खाली खाइए, मुरमुरा के साथ खाइए, लेकिन चावल के साथ ये नहीं जाएगा। ये रोटी के साथ मेरा जो लाइफ पार्टनर बहुत पसंद करते हैं, बोलते ये दे दो, बाहर ही छोड़ देती हूँ, फ्रिज में नहीं रखती हूँ मैं, फिर दे देती हूँ ऑफिस में, रोटी के साथ बहुत बढ़िया लगता है। देखिए प्याज भी इतना छोटा छोटा काटा था जैसे पेस्ट हो गया, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप बड़ा बड़ा प्याज भी दे सकते हो, उसका टेस्ट अलग है, मैं कभी आपको बाद में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा बन के तैयार हो गया, अभी मैं इसको साफ कर दूंगी। तो मेरा ये मटर का डिश और ये मुरमुरा
इवनिंग स्नैक्स के लिए, छोटा छोटा भूख के लिए ये बनके तैयार हो गया। आप कटोरी में ना इसको अलग अलग दीजिए, मुरमुरा अलग दीजिए, मटर अलग दीजिए, नहीं तो ना ये मुरमुरा का जो क्रिस्पीपन ये ख़त्म हो जाएगा। एक साथ मिला के भी खा सकते हो, लेकिन अलग अलग खाओगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। अगर आप पूरा खा नहीं पाओगे तो आप एयर टाइट कोई कंटेनर में भर के रख दीजिए, बाद में भी छोटा छोटा भूख में आप खा सकते हो। अच्छा, ये आप लोग बनाइए, खाइए, मुझे बताइए कैसे लगा, और इसमें कुछ ऐड ऑन करने के लिए भी आप बोल सकते हो। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए आपके फ्रेंड्स लोगों को। ओके, धन्यवाद।